वेलकम बैक टू माई चैनल होम डुआर्स। मेरा नाम है प्रिया और आज मैं फिर से काफ़ी लंबे समय के बाद एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। सो आज मैं बनाने वाली हूँ ओशन से रिलेटेड आर्टवर्क, क्योंकि मैं ओशन के पास रहती हूँ तो मुझे बहुत सारी इंस्पिरेशन ओशन और मरीन लाइफ से आती है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक कोरल टेक्स्चर्ड आर्टवर्क। मैंने इससे पहले भी एक कोरल टेक्स्चर्ड आर्टवर्क बनाया था, क्योंकि वो यूट्यूब जर्नी से पहले बनाया था, इसलिए मैंने अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं किया, बट मैं आपको ज़रूर दिखाना पसंद करूँगी। सो मैंने ये कोरल आर्टवर्क बनाया था एंड इट इज़ समथिंग I have the imagination and shape and sizes is all optional. The artwork which I will be creating वो इसी साइज की होगी, but different pattern, different color. So अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले right away subscribe this channel, like and share with your family and friends who love artwork and comment down how did you find this video. So without wasting any time, let's get into the process. हे गाइस, तो यहाँ पे मैंने मोल्डेड क्ले का यूज़ किया है। पहले रेजिन और हार्डनर क्ले को एक साथ कंबाइन करेंगे एंड देन हम सॉलिड होने से पहले ही अपने कोरल्स बनाना शुरू करेंगे। अनफॉर्चुनेटली मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो मैंने होममेड क्ले से दोबारा आपको बना के दिखाया है। ये मैंने क्ले घर पे बनाई है और इसकी रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। जिसको ख़रीदने का शौक नहीं है, नहीं ख़रीदना चाहते हैं, वो इसको घर पे बैठ के आराम से बना सकते हैं। तो ये क्ले से इस तरीके का कोरल बना है और दूसरा मैंने मोल्डेड क्ले से बनाया, वो ग्रेश कलर में है। तो मैंने मोस्टली सारे कोरल्स अपने इस आर्टवर्क के होममेड क्ले से बनाए हैं एंड वो आपको कलर डिफरेंस में आराम से समझ में आ जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने होममेड या फिर हैंडमेड कैनवस बनाया था, उसमें मैंने बेस कलर ऑरेंज लिया है, क्योंकि मेरा कोरल का जो कलर पैलेट है वो ऑरेंज, रेड, येलो में जाने वाला है। तो मैंने सोचा बेस कलर ऑरेंज करने का। इट्स अ स्मॉल सजेशन, आप भी बेस कलर ज़रूर करिए, क्योंकि फिर आप कोरल्स जब लगाएंगे तो वो इंडिफरेंस नहीं आएगा एंड इट विल कम आउट रियली ब्यूटिफुली। सो आई पेंटेड फ्यू कोरल्स बिफोर आई पेस्ट इट ऑन द कैनवस। मैंने पहले ही कलर कर लिया कुछ कोरल्स को एंड देन मैंने सोचा कि मैं कुछ बाद में करूँगी। तो आहिस्ता आहिस्ता फेविकोल के हेल्प से मैंने सर्कुलर पैटर्न में इसे पेस्ट करना स्टार्ट किया है। सजेशन ये दूंगी कि डोंट मूव द कैनवस, थोड़ा सा उसको सेटल होने दीजिए, कुछ टाइम लगेगा ड्राई होने में। ड्राई होने के बाद यू कैन लिफ्ट द कैनवस अप और आप उसको देख सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही सर्कुलर पैटर्न में कलर किया है कोरल्स को और पेस्ट किया है। फिर ऑरेंज, मतलब कि डार्कर से लाइटर शेड में आई विल मूव। तो मैंने ऑरेंज को भी ऐसे ही पेस्ट किया, लगाया एंड देन अप टिल नाउ ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। काफ़ी प्यारा लग रहा है और मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। फिर मैंने सोचा कि कलर स्मज हो रहा था, फैल रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बिना कलर के जो कोरल्स हैं वो पहले पेस्ट कर लूँ और लास्ट में मैं जो दो तीन लेयर हैं मैं उनको कलर करूँगी। तो अप टिल नाउ इट इज़ लुकिंग दिस एंड दिस इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल। मुझे तो ये ऐसे ही अच्छा लग रहा था, मुझे कलर करने का मन ही नहीं कर रहा था, बट सिंस आई हैव डिसाइडेड द कलर पैलेट आई एम गोना डू दैट एज आई हैव डिसाइडेड। सो दिस इज़ द लास्ट कोरल आई हैव पेस्टेड और ड्राई होने के बाद कुछ इस तरीके से ये आर्टवर्क लग रहा है। आपको टेक्स्चर आर्टवर्क कैसा लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे चल के मैं इसे फिर से थोड़े बहुत, क्योंकि कलर स्मज हो गए थे कुछ कोरल्स के, मैंने दोबारा रीपेंट किया, कलर करेक्ट किया और लास्ट शेड हमारा येलो रहेगा। तो मैंने येलो शेड्स दिए हैं, लाइट, डार्क, और ऐसे ही हम सारे कोरल्स को एक एक करके पेंट कर लेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे और एंड में वी विल गिव इट अ वार्निश का कोट। मैंने इसमें करके आपको नहीं दिखाया है, बट आई विल सजेस्ट कि आप वार्निश लगाइए एंड एट लास्ट हमारा ये फाइनल लुक है आर्टवर्क का। दिस इज़ लुकिंग सो वाइब्रेंट एंड ब्यूटीफुल एज आई इमेजिन। आपको ये आर्टवर्क कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा और मैं आगे और भी ऐसे कोरल या टेक्स्चर, न्यू जो भी मैं टेक्निक्स यूज़ करूँगी, न्यू आर्टवर्क बनाऊँगी, मिलाते रहूँगी। आपको कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट करिए और मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर जवाब दूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।